अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद विलेज लाइफस्टाइल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में सस्ती गैस के बारे में बताऊंगा, आजकल जो ईंधन का मसला है उसमें ये एक नहायत ही कारामद चीज़ है। एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे इसको प्लांट लगाने में, उसके बाद साल साल तक फ्री में आप इससे गैस हासिल करेंगे, और एक प्लांट जो है वो एक घर का चूल्हा 24 घंटे आसानी के साथ चला सकता है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप इसको ना लगा सकें। अगर आप देहात में रहते हैं और आपके पास 2 या 3 जानवर हैं तो आप ज़रूर बायोगैस का प्लांट लगवाइए। आजकल मुख्तलिफ कंपनियाँ मार्केट में मौजूद हैं जो बायोगैस का प्लांट लगा कर दे रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक बायोगैस प्लांट पर मौजूद हैं जो हमने अपने घर में लगवाया है। मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील बताऊँगा, इसमें क्या क्या चीज़ डाली जाती है और किस तरह से ये बनाया जाता है। जी दोस्तों, तो ये इसका इनर पॉइंट है। इस पॉइंट से या इस छोटी सी हौदी से आप इसके अंदर गोबर और पानी मिक्स करेंगे, सिर्फ गोबर ही डालेंगे और कोई चीज़ इसमें नहीं डालेंगे। और ये इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है जिसके मदद से आप इसको गोबर और पानी को मिक्स करेंगे, और फिर इसके अंदर एक ढकना है जिससे आप ढकना उठाएंगे तो गोबर जो है वो इस कुएँ के अंदर चला जाएगा। ये वो कुआँ है जिसके अंदर गैस तैयार होती है, और यहाँ पर इकट्ठी होकर इस पाइप के ज़रिए से गैस जो है वो यहाँ पर आती है, और अगर इसमें कुछ पानी या कोई और ज़रात हो तो वो नीचे गिरकर यहाँ से ज़ाया हो जाते हैं, और प्योर गैस जो है वो इस पाइप के ज़रिए से अंदर चूल्हे की तरफ चली जाती है। और दोस्तों, ये इसका ओवरफ्लो है, जहाँ पर जो बकिया चीज़ जो बकिया गोबर होती है वो यहाँ पर पहुँचती है, और ये इंतहाई कारामद गोबर है। ये DAP यानी फास्फोरस खाद के से भी ज़्यादा ताकतवर और फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे फसलों में पानी के साथ फ्लड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, ये देखें, इसमें पानी और गोबर जो है वो मिक्स किया जा रहा है, और ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको कुएं के अंदर डाला जाएगा। जी दोस्तों, इस तरह से इसको पानी और गोबर को मिक्स किया जाता है, ये इसका एक पेस्ट सा बन जाता है पेस्ट की शक्ल में, और फिर ये आसानी जो है वो कुएं के अंदर जहाँ पर इसे गैस तैयार होनी है वो चला जाता है। और फिर ये गोबर इस कुएँ में आएगा, और यहाँ पर इससे जब गैस निकल जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इस ओवरफ्लो में आएगा, और यहाँ से इसको फिर उठाकर बाहर फेंका जाएगा फसलों में। फ्रेंड, ये बहुत ही एक कारामद प्रोजेक्ट है। अगर इसको आप इन्हें लगाना चाहते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे कोई भी किस्म की इस प्लांट के मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए हाज़िर। अस्सलामु अलैकुम।